महाभारत शुरू होने से पहले हमें एक साल एक्शन और एक्टिंग का वर्कशॉप हमने अटेंड किया जो कि प्रोडक्शन हाउस ने अरेंज किया था। तो बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट शो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी अच्छे लोगों के साथ, एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। टीवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा शो कर रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो नकुल के कैरेक्टर में इतना घुस चुके हैं कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। मतलब अब कैमरा सामने होता है तो डायलॉग ऐसे निकलते हैं कि जैसे मैं नकुल ही हूँ रियलिटी में। मैं पहले सीरियस नहीं रहता था, अभी सीरियस रहना आ गया है मुझे, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसको इंट्यूशन लेवल, मतलब इंट्यूशन पावर है और पूर्वाभास होता है जिसे, तो अभी कैरेक्टर में रहने में मज़ा आता है। हम पाँचों इतनी मस्ती करते हैं, पाँचों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि आप खुद देखिए कि हम लोग मुंबई दिल्ली जैसी सिटीज से, मेट्रोपॉलिटन से एकदम कट के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इतने महीनों से। और अब तो ऐसा भी फील नहीं होता है कि यार चलो मुंबई छुट्टी ऑफ मिली है तो मुंबई चले जाते हैं, ऐसा भी फील नहीं होता, क्योंकि हम पांचों जब साथ होते हैं तो इतना फन होता है। हम लोग कभी शॉपिंग्स पे निकल जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम डियर पार्क घूम के आए हैं, तो जब भी मौका मिलता है खूब मस्ती खूब फन करते हैं। सेट पे भी हम नाक में दम कर देते हैं सबके। बोलते हैं कि पाँचों पांडव जहाँ साथ में बैठ गए तो मतलब कोई छठा बोलेगा नहीं वहाँ पे, और शायद मुझे लगता है यही हो रहा है। भीम जी जो हमारे हैं, सौरभ गुर्जर जो किरदार निभा रहे हैं भीम का, वो दिल के सबसे मतलब अच्छे इंसान हैं। आप इंसान सारे ही अच्छे हैं, मगर उनके साथ हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी रहती है कि मतलब वो कुछ भी बोलेंगे पंच लाइन ऑटोमेटिकली, या तो मैं बोलूँगा या ये बोलेगा, और फिर उसके बाद वो मारने के लिए भागता है हम दोनों को, हम हाथ नहीं आते हैं उसके। फिर फाइनली शहीर जो कि अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो हमें बचाते हैं, तो यही सब चलता रहता है। और युधिष्ठिर बस दूर से बैठे हंसते रहते हैं, और जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है वही ऑफ स्क्रीन भी है, वही चलता है। और साथ में जिमिंग करना, जिम वगैरह, हम मूवीज देखते हैं सब, तो शोले देखे रिसेंटली हमने 3D में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आपके साथ इतने पॉजिटिव लोग हैं आपके साथ, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे सेट पे, तो बहुत अच्छा लगता है काम करके यहाँ पे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। आपके को एक्टर्स इतने अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती कभी काम करने में। नहीं तो आप एक सिटी दिल्ली और मुंबई में रहते हैं और वहाँ से आके आप इतने महीने यहाँ पर ऐसी छोटी सिटी में रहना, काम करना 14-14 घंटे, और उसके बाद इतना स्ट्रेसफुल हो जाना, तो आदमी पक जाता है एक टाइम पे। लेकिन हमें अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ, बल्कि हम लोग तो सोच रहे हैं कि अब महाभारत महीने दो महीने बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कितना मिस करेंगे एक दूसरे को। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि मैंने एक साइकिल लिया है, और मैंने ये सोच के लिया था कि चलिए थोड़ा कार्डियो या वर्कआउट हो जाएगा साइकिलिंग से, अच्छा। तो अब जब साइकिल पे जिम जाना स्टार्ट किया है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल स्ट्रीट पे जब आप साइकिल लेके निकलते हो, अच्छा लगता है वो प्रॉब्लम फेस करना इसको। हाँ, तो कुछ फैंस भी मिल जाते हैं रास्ते में, लोग आपको रोक भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बट अच्छा लगता है।